चुनावी माहौल में कांग्रेस पर हमलावर हुए अखिलेश यादव एमपी में बोले, अच्छा हुआ पहले ही धोखा मिल गया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। INDIA के सहयोगी अखिलेश यादव ने शुक्रवार को छतरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए कांग्रेस पर यह बड़ा आरोप लगाया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से चुनावी गठबंधन न होने पर नाराजगी जाहिर की। छतरपुर के चांदला में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, अच्छा हुआ कांग्रेस ने चुनाव से पहले धोखा दे दिया, वरना बाद में तो हम कहीं के नहीं बचते। एमपी की जनता ने देखा है कि यहां अगर किसी ने अलायंस को धोखा दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा, कमलनाथ की सरकार सपा के समर्थन से बनी थी, बाद में बीजेपी वालों ने करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त कर सरकार बदल दी और उन विधायकों को इस्तीफा दिलाकर पुनः जिता दिया। सपा प्रमुख ने कसा बीजेपी पर तंज। सपा प्रमुख यादव ने आगे कहा कि हमारे बेजदावर प्रत्याशी यानी राजेश शुक्ला बीजेपी में हैं, जबकि कांग्रेस ने भी बाहर से प्रत्याशी लाकर उतारा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है या बीजेपी ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी है। इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, यही वजह है, नहीं तो सपा का उम्मीदवार वहां से होता। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में पार्टी इतने सीएम उम्मीदवार लेकर घूम रही है जितने संभाग भी नहीं है। समाजवादी लोग कभी जातिवाद नहीं हो सकते अखिलेश यादव। इसी तरह चांदला में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, हमें जातिवादी कह रहे हैं, समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं हो सकते। समाजवादी लोग तो हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़कर चलने का काम करते हैं। अगर कोई पलटी मार रहा है अपने सिद्धांतों से तो वो दूसरे दल है। हमारी पार्टी का मानना है कि जब कभी भी हम सरकार में आएंगे या हमारे सहयोग से सरकार बनेगी तो सबसे पहले जातियों की गिनती कराएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 6 नवंबर को एक बार फिर छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। वो 6 नवंबर को दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से नौगांव पहुंचेंगे। इसके बाद गर्ल्स स्कूल चौराहा पहुंचकर आम सभा को संबोधित करेंगे। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।